हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट में थ्री पार्ट्स है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कह रहे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के क्वेश्चंस है और इसे हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है, इसे पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसे पॉइंट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक की मिनिमम वैल्यू को लेट करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू होता क्या है, जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स और वाई में दोनों को किसी एक से जीरो लेट करेंगे, यानी कि पहले एक बार एक्स का मिनिमम वैल्यू लेट करेंगे, फिर वाई के मिनिमम वैल्यू लेट करेंगे, ठीक है। तो एक बार एक्स जीरो रखेंगे तो वाई मिल जाएगा, एक बार वाई जीरो रखेंगे तो एक्स मिलेगा। जब तक हमें यहां दो पॉइंट्स मालूम नहीं होगा तब तक हम लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता। अगर सपोज करो कि एक पॉइंट यहां दे दिया, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, यहां पे एक पॉइंट दे दिया, तो अब हम इसको, इस लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना है तो ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर सेकेंड लाइन, अगर सेकेंड पॉइंट यहां ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन को मिलाने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए हमें किसी भी लाइन को, यानी किसी भी ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, दो। यानी एक इक्वेशन में टू पॉइंट्स को ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे हमारा लाइन जो होगा वो क्लियर जाएगा, नहीं तो लाइन एक पॉइंट से हमारा लाइन क्या होगा, क्लियर नहीं जाएगा। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी। लेकिन अगर यहाँ एक पॉइंट और फिक्स कर दिया तो सीधा ये लाइन ऐसे होते हुए जाएगा, एक ही लाइन जाएगा इससे, समझ में आ गया। तो इसलिए चलते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पे एक टेबल बना लेंगे, एक यहां पे एक टेबल बनाएंगे जो सारे क्वेश्चन सबके सबके काम आएगा, ठीक है। इस टेबल में क्या होगा कि एक तो हम एक्स डाल देंगे यहां पे और एक वाई की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। हमें दो पॉइंट्स निकालना है ना, तो अब हम एक एक करके पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, फोर। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल्स टू जीरो रख देंगे। हमने एक्स क्या रख दिया, यहां जीरो रख दिया, ठीक है, माना है एक्स हमने जीरो लेट कर लिया। तो जब हम जीरो लेट करेंगे तो हमारा इक्वेशन जो होगा वो जीरो प्लस वाई इक्वल्स टू फोर हो जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर, यानी वाई क्या निकल गया, फोर, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक बार और लेट किसका करेंगे, वाई मानेंगे, वाई को मानेंगे जीरो। सब में तीनों में यही प्रोसीजर सेम करना है, एक बार एक्स को जीरो रखना है और एक बार एक्स को, सॉरी वाई को जीरो रखना है, ठीक है। तो सेकंड में जैसे ही वाई जीरो रखेंगे तो फिर हमारा इक्वेशन ऐसे ही हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा एक्स प्लस जीरो इक्वल्स टू फोर। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर, यानी अगर हम वाई जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, फोर। अब हमारा पॉइंट्स कौन कौन से मिल गए, एक तो जीरो फोर हो गया और एक फोर जीरो, यानी कि वाई की वैल्यू फोर। तो वाई की वैल्यू फोर कहाँ पे है, यहाँ पे है, और जीरो क्या है, एक्स है, तो इसी पर, इसी लाइन पे होगा। और इसका अगर हमें पॉइंट्स ऐसे लिखना होगा तो ये लिखेंगे क्या, जीरो और फोर पॉइंट्स है, ठीक है। अब सेकेंड क्या है कि एक्स की वैल्यू फोर है, एक्स की वैल्यू फोर है लेकिन वाई क्या है, जीरो है। तो वाई जब जीरो है तो बताया था ना कि कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू अगर जीरो, एक संख्या, एक लाइन अगर जीरो है तो दूसरा बिल्कुल एक्सिस पर ही आएगा, या तो एक्स एक्सिस पर आएगा नहीं तो वाई एक्सिस पर, यानी कहने का मतलब कि यहाँ वाई जीरो है तो एक्स एक्सिस पर आ गया और यहाँ एक्स जीरो है तो वाई एक्सिस पर आ गया, ठीक है। तो अब ये पॉइंट आ गया फोर। अब हम क्या करेंगे, इसे लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे और बिल्कुल इस लाइन से होते हुए चला जाएगा, ठीक है। और यहां पे सिर्फ हम इस इक्वेशन को लिखेंगे जो हमारा इक्वेशन आया है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर, समझ में आ गया, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फोर। यह आपका आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड को ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल एज इट इज एक्स और वाई की वैल्यू वही रहेगा जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लेट किया है, ठीक है। तो यहां पे हम सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू, तो यहां पे भी एक्स इक्वल्स टू जीरो रखेंगे तो वाई हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा टू,
और यहाँ पे सिर्फ टू। अब ये माइनस क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस का टू आ जाएगा, तो अगर हम एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का टू, और यहाँ वाई जीरो रखेंगे तो वाई के जगह पर जब हम जीरो रखेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आएगा माइनस और ये है टू, ठीक है, तो हमारा एक्स प्लस का टू आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो माइनस प्लस करते हैं तो वही संख्या होता है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यह आ गया टू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जब हमने y जीरो लिया था तो x वैल्यू प्लस का टू आ गया। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस पे ड्रॉ करेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन का ग्राफ है, अब सेकंड क्वेश्चन के लिए ऐसे ही लाइनिंग लेना है और आपको ग्राफ बनाना है। मैंने ये सिचुएशन इसलिए लिख दिया कि इसी ग्राफ पे हम तीनों क्वेश्चन शो करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो पहला क्या है, एक्स जीरो तो वाई पे माइनस टू, तो ये आएगा सिर्फ इसी पर आएगा, और यहाँ पे हम पॉइंट फिक्स कर देंगे जीरो और माइनस टू। ठीक है, क्लियर। अब क्या है कि यहाँ एक्स इक्वल्स टू टू और वाई जीरो, तो अब ये पॉइंट एक बनेगा और इस पे भी हम पॉइंट्स फिक्स करेंगे टू और जीरो। अब हमारा दो पॉइंट ये बन गया ना। अब ये एक सीधी लाइन ऐसे आएगी जो ऐसे होते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे, तो क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू टू। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, इसी पे मैं शो कर रहा हूं। आप अलग अलग ग्राफ बनाओगे, अलग अलग ग्राफ पे इसको फेयर करोगे। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे यहाँ पे, और ये हमारा ये दो डिजिट चेंज होगा क्योंकि हमें एक्स और वाई को लेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये है कि थ्री इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वाई, तो इस टू एक्स को इधर लेकर चले आओ, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस टू एक्स इक्वल्स टू वाई बन जाएगा, क्योंकि टू एक्स प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा थ्री माइनस टू एक्स। अब ये इक्वेशन आ गया, तो अगर हम x की जगह पर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, y माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री माइनस टू इंटू जीरो, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो कर देगा, तो यहां पे हो जाएगा थ्री माइनस जीरो इक्वल्स टू थ्री, यानी x अगर हम जीरो रखते तो y हमारा क्या हो जाएगा, थ्री होगा, और जब y अगर हम जीरो रखेंगे तो फिर जब अगर हम इसको जीरो रखते हैं तो हमारा x क्या होगा, देखो तो यहां पे रखेंगे y इक्वल्स टू थ्री माइनस टू एक्स, यहां रख दिया जीरो इक्वल्स टू माइनस सॉरी थ्री एक्स माइनस टू एक्स, अब ये थ्री इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का थ्री होगा और इक्वल्स टू माइनस टू एक्स हो जाएगा, जब x यहां रखेंगे तो माइनस टू क्या हो जाएगा, इसके फ्रैक्शन में आ जाएगा। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है ना, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस का थ्री अपॉन टू हो गया। तो यहां पे देखो x इक्वल्स टू थ्री अपॉन टू, अगर हम उसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1.5 होगा। अब 1.5 से क्लियर हो गया कि एक तो फर्स्ट होगा और दूसरा उसका हाफ होगा नेक्स्ट का। ठीक है, तो यहां पे हो गया x, तो यहां पे क्या आ गया 1.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पे जब भी हम इक्वेशन को दोनों साइड LHS और RHS लेकर चलते हैं तो हमें और लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, यहां पे आ गया पॉइंट्स बन गया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां y की वैल्यू जीरो रखा था, यहां पर y की वैल्यू जीरो रखा तो ये इक्वेशन आया था ना हमारा, तो y जीरो हो गया तो ये इधर जाएगा, तब प्लस इसको इधर लेकर आया था तो माइनस का थ्री और ये थ्री अपॉन टू आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम इसको पॉइंट फिक्स करेंगे, तो पहला क्या है, y की वैल्यू थ्री है, प्लस का थ्री है तो यहाँ जीरो से ऊपर जाएगा, वन टू थ्री ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट होगा क्या, थ्री जीरो और थ्री। ठीक है, उसके बाद ये 1.5 है x की वैल्यू, यानी वन तो है ही और टू के बीच में ठीक 1.5 आता है। ठीक है, तो इसका जो पॉइंट बनेगा वो है 1.5 और जीरो। ठीक है, अब ये दो पॉइंट फिक्स हो गया ना, ये और ये, तो इसको मैं थोड़ा सा वैसे करके लिखता हूं, यहां पे यहां पॉइंट्स लिख देता हूं,
तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1.5 और 0। तो अब हम इस लाइन को लेकर आएंगे किससे, यहां से 303 से होते हुए 1. इसको ऐसे लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे तो इस वाले इक्वेशन क्या बनेगा, यहां पे जो है 3 = 2x + y। मैंने इक्वेशन इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता चले कि किस इक्वेशन की कौन सी लाइन है। तो ये आपका ग्राफ जो है, तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन सब का जो है हमने ग्राफ कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।